मोहतरम जनाब मुदस्सिर यासीन साहब बर्मिंघम, हम आपके ममनून हैं कि आपने हमारी वेबसाइट पर याद फरमाया। बहरहाल आपके सवाल कितने ही चुपते हुए हों लेकिन हम जवाब हाजिर करते हैं। आपने पूछा कि क्या आप कुरान और सुन्नत और तालीमात सहाबा पर अमल करते हैं। जी हां, अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान और सुन्नत और तालीमात सहाबा पर अमल करते हैं। फिर आपने कहा कि अगर आपका जवाब हां में है, और यकीनन हां में, फिर आपने दीन में नई बातें क्यों शामिल कर ली हैं, मसलन अंगूठे चूमना, शब बरात और मीलाद मनाना वगैरह। ये क्या इन बिदात का आपके पास कुरान और हदीस से कोई सबूत मौजूद है? तो देखिए, आ जवाब आ गजल आपके सामने मौजूद है। पहली बात तो इसमें आपने ये फरमाई, अंगूठे चूमना, हमारे यहां फिक्र हनफी की कई किताबों में अंगूठे चूमने से मुतालिक मसायल किताबों में मौजूद हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम पर अगर कोई अंगूठा चूमे तो इससे आंखें नहीं दुखेंगी। एक बात, हजरत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह की मौजू आते कबीर उठाइए। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला हनफियों के बहुत बड़े इमाम हैं और तमाम उलमाए देवबंद वहाबी हजरात भी उनके इमाम होने के कायल और अपने जमाने के मुजद्दिद। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ने मौजू आते कबीर हरचंद के उन्होंने झूठी हदीसों का इंकशाफ करते हुए किताब लिखी। मुल्ला अली कारी जैसी कदावर शख्सियत ने जब वो ये बताया कि ये हदीस झूठी, जब वो अंगूठे चूमने की हदीस पर आए तो मुल्ला अली कारी ने नकल किया कि गोया हजरत बिलाल ने अजान कही। मैं उसका मफहूम बता रहा हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब हजरत बिलाल इस जुमले पे पहुंचे, अशहद अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अबू बकर सिद्दीक ने अपने अंगूठों को चूमा और अपनी आंखों से लगाया और कहा सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। दोबारा जब वही कलेमा कहा तो सिद्दीक अकबर ने फिर अंगूठे चूमे और आंखों से लगा का कुर्रतु आईनी देखा या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिस्समि वल बसर। हुजूर ने इरशाद फरमाया जो ऐसा करे जैसा अबू बकर सिद्दीक ने किया तो कल कयामत में हम उसके शफी होंगे। इस हदीस को लिखकर मुल्ला अली कारी फरमाते कि मैं कहता हूं कि जब इसका सबूत अबू बकर सिद्दीक से मिल गया अब किसी दूसरे हवाले या दूसरे सबूत की क्या जरूरत है। मुलाहिजा फरमाइए, मौजूआत कबीर मुल्ला अली कारी की अगर आपको न मिले तो हम इंशाल्लाह स्कैन करके आपको उसकी फोटो कापी भी भेज सकते हैं। अब आइए शब बरात और मीलाद मनाने का मसला। तमाम उलमाए देवबंद वहाबी हजरात बर्रे सगीर के अजीम मुहद्दिस शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला के 8 वास्तों से 10 वास्तों से बिल आखिर वो शागिर्द पाते। आप देखिए बर्रे सगीर का अजीम मुहद्दिस शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की आप किताब मुलाहजा फरमाइए, मसबता मिन सुन्ना अजीम मुहद्दिस की किताब है। शेख मुहक्किक ने शब बरात पर एक पूरा बाब बांधकर हदीस नकल की है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शब बरात में क्या मामूलात थे वगैरह वगैरह, और आपने ये कैसे जान लिया कि इसका सबूत किसी हदीस में मौजूद नहीं। अब आइए मीलाद मनाना। जैसा कि उमूमन ये कहा जाता कि मीलादुन नबी का तो कहीं सबूत ही नहीं मिलता, इस नाम का भी कहीं अता पता नहीं मिलता, तो मेरे अजीज आप सिहासिता की तिरमिजी शरीफ उठाइए। तिरमिजी शरीफ में हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत पर जो बाब हजरत इमाम तिरमिजी ने नकल किया उस बाब का नाम ही मीलादुन नबी रखा। अफसोस कि आपके उलमा ने आपके जहन में ये बात बिठा दी कि ये जो उलमा अहले सुन्नत हैं ये सब बिदत करते हैं और इसका सबूत कहीं से मौजूद नहीं है। अगर आप हमारी न माने तो तमाम उलमा वहाबिया और देवबंद के शेख पीरो मुर्शिद हाजी इमदादुल्ला महाजिर मक्की ही की मान लीजिए। महाजिर मक्की साहब ने, हाजी इमदादुल्ला साहब ने किताब लिखी जिसका नाम है फैसला हफ्त मसला। उसमें वो लिखते हैं कि फकीर का मशरब यह है कि वो हर साल महफिल मीलाद अपने घर मुनाकिद करता है और कयाम करता है और कयाम में अजीब लुत्फ पाता है। मुलाजा फरमा लीजिएगा आप, हाँ फैसला हाँ मसला जो उलमाए देवबंद के पीरो मुर्शिद की किताब है, तो आप इसकी रोशनी में ये कैसे कह सकते हैं कि हम कुरान और सुन्नत से इनहराफ कर रहे हैं, बल्कि इनको शिर्क और बिदत कह करके आप खुद साख्ता शरीयत घर के आप अपने आप को ये बता रहे हैं कि आमिल हदीस और आमिल कुरान है। हरगिज नहीं, हमने इसका सबूत दे दिया। अगर आपको इन किताबों के सफात दरकार हो स्कैन करके हम आपके पास इनको भी भेज सकते हैं। दोबारा आप ईमेल पर